मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में याद पारो, हम लोग कुछ सवाल लिए थे बनाने के लिए। उसमें से एक ये सवाल था जो काफी, मैंने कहा था इसको बना ही लेना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आपने ट्राई भी किया होगा। सबसे हल्का सवाल था इसमें, सिंपल सा। क्या करना है इसमें? साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप सोचोगे भैया, आखिर हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो छोटे, क्योंकि हम लोग जो है साइन और कॉस के फॉर्म में मैक्सिमम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सेक और टैन के फॉर्म है, और सेक और टैन के फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता, और दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता। यहाँ पर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं आने वाला, क्योंकि टेन का टेन के साथ होगा ही नहीं। इसका मतलब स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं होगा, ये दोनों फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो कुछ तो और करना पड़ेगा। तो एक ही फंडा बचा है, वो क्या भैया जी? साइन और कॉस के फॉर्म में जादुई रूप से कन्वर्ट कर लीजिए बिना किसी को कुछ बताए। तो हम लोग करते हैं ना, तो फटाफट से साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा सुनो, वन प्लस टेन थीटा क्या होता? टेन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में। तो भैया टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा क्या होता भैया जी? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां से तो हम आराम से निकाल सकते हैं, टेन थीटा का पुट करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर सेक थीटा क्या होता भैया जी? अरे सेक किसका उल्टा दोस्त है भैया? उल्टा दोस्त सीधा दोस्त हम लोग जानते हैं, साइन है, अंत एस पे हो रहा तो स्टार्टिंग एस से हो रहा तो अंत भी एस से होगा, ये सीधा दोस्त का निशानी है। कोशेक और सेक ये भी आपका ट्रू फ्रेंड का निशानी है। टेन और कॉट ये भी आपका ट्रू फ्रेंड का निशानी है, लेकिन वहां पर उल्टा दोस्त में क्या होगा? सेक का उल्टा कॉस होता, तो सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा। ठीक है, अगेन यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा इंटू वन का वन प्लस कॉट थीटा का। भैया जी क्या कर रहे हैं छोटे? यहाँ कॉट होगा ना, कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगेन माइनस का माइनस कॉसेक थीटा आपका वन बटे साइन थीटा। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझना है, बस ये लाइन आप अच्छे से समझ लेना, सारा आपके दिमाग में अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, इस पूरे खटाल को देखो, इसमें हम लोग जो है कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर वन है तो नीचे वन छिपा हुआ है, तो वन से वन और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन में, तो कॉस थीटा हो गया प्लस यहाँ पर कॉस थीटा है ही, ऊपर पे साइन थीटा है, प्लस कॉस थीटा से इसमें भाग करेंगे और इसका मल्टीप्लाई वन से वन में मल्टीप्लाई, तो वन हो गया। हाँ जी, अगेन सेम यही फंडा इसमें भी करेंगे, नीचे में साइन थीटा एलसीएम होगा, ऊपर पे यहाँ वन है तो वन से डिवाइड किया और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा प्लस का प्लस साइन थीटा से भाग और वन से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा से भाग और वन का मल्टीप्लाई वन से वन। तो यहाँ देखोगे आप, क्या भैया जी कहा देख ले, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा चीज दिखने वाला, क्या? कॉस थीटा और साइन थीटा इसमें तो सेम है, यहाँ पर भी सेम है दोनों, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया जी? भैया जी हम लोग क्या जानते हैं, तनिक हमें भी जना दीजिए आप, आखिर हम जानते हैं क्या है? सुनिए समझना है, हम लोग क्या जानते हैं भैया जी? हम लोग जानते हैं अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था? ये होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब दो स्क्वायर अगर घटता आपस में, ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपस में घट रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये दोनों एक बार घटेगा एक बार जुटेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। उसी तरह यहाँ पर ये वाला प्लस वन, ये वन स्क्वायर, समझना ध्यान पूर्वक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक लास्ट बार ए पूरा ए मान लो प्लस बी, दिमाग खोल के आप अपना सारा ध्यान यहां पर लगाओ, मुझे पता है यहां पर समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन समझोगे ना, कोई चीज भारी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान देना यहां पर, ए प्लस बी फिर इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो फिर माइनस फिर बी का स्क्वायर कर दो, मतलब भैया ये और ये आपस में क्या होगा, स्क्वायर होकर के घट जाएगा, इसका स्क्वायर, ध्यान से समझना,
इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर वन का स्क्वायर, आराम से हो गया, कहीं कोई समस्या। फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बताओ यहां तक में कोई दिक्कत? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लास टेंथ मतलब आप लोग क्लास नाइन्थ में भी फॉर्मूला पढ़े हो, इसलिए ध्यान से समझना है। अगेन यहां पर समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, याद पा रहो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखो, अगर दिमाग में नहीं रहेगा ना बहुत दिक्कत होने वाला है छोटे, ठीक है। ए की जगह पे आप साइन थीटा पुट, ए की जगह पे आप कॉस थीटा और बी की जगह पर साइन थीटा, ए की जगह पर कॉस थीटा और बी की जगह पर साइन थीटा पुट करना है आपको, तो पुट करते हैं ना, जहां ए है वहां पर कॉस थीटा पुट करो, तो इसका स्क्वायर प्लस दो गुना इतना गुना इतना, तो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन, कहीं कोई समस्या नहीं जी। नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो जो फॉर्मूला लगा बगल में लिखते चलो, जितना फॉर्मूला लग रहा है बगल में लिखते चलो, कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, पहला फॉर्मूला भी था, मैं क्या कह रहा, तुम साथ हो जो मेरे, सुनो पहला फॉर्मूला कौन सा लगा, टेन थीटा का, यहां लिखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला लगा, चलिए भैया जी सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा। फिर फॉर्मूला कॉस थीटा का लगा, लिखते चलो जो फॉर्मूला लगा लिखते चलो, याद होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा का लगा वन बटे साइन थीटा, और कोई फॉर्मूला लगा भैया जी, और यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोई लगा, हाँ भैया जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और कोई लगा, हाँ भैया जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो लिखो बगल में, अरे पानी हट जा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता, तो इसकी जगह पर वन पुट करेंगे, तो वन प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस वन से ये वन कट जाएगा, बचा क्या, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपस में मर गया, बचा सिर्फ टू। कितना आसान था कुछ कुछ ना था भैया जी, आराम से बने। इसको ध्यान में रखना, यहां पर इसको ध्यान में अच्छे से करना है, यहां पर आपको मतलब ये एलसीएम करने में, एलसीएम कर रहा हूं, ये भिन्न का जोड़ करने में और ये भिन्न का जोड़ घटाव करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं, तो इनको अच्छे से करना है, शांति मन से करना, अगर आपका दिमाग शांत ना हो ना तो सोच लो ये सारा सवाल गलती होगा ही होगा, दिमाग शांत और तब बनाना है। इसके बाद जो चैप्टर है मैथ बुक का, कौन सा चैप्टर आपके बुक का, हम लोग चैप्टर नंबर 8.4 का पांच नंबर आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट करना है पूरा शांत शांत होके ध्यान पूर्वक इसको देखना है, इससे पहले भी हम लोग कंप्लीट किए थे, आज सिर्फ हिंट्स देंगे और बनाते चलना है आपको, चल चलते हैं, चले मिटा दे इसको, हाँ क्या मिटाइए हल्का हल्का, चल तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज, आज पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी नहीं करेंगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, बस आपको साथ देना है, बनाना है आपको, पहले खुद कोशिश करना, जब भी हम लोग कोई सवाल लिखेंगे पहले आप खुद ट्राई करोगे, याद रखना गलती ही होगा, कम से कम दो मिनट अपना ये खोपड़िया उस पर लगाना है, उस सवाल पर एक बार ध्यान में रखना, वो दो मिनट आपको कहीं दो कदम आपको आगे लेके चल जाएगा सवाल में, याद रखना, चलो याद ध्यान दो, क्या हो गया इसको, अरे दिख रहा होगा आपको, चलो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। अब यहां देखो यहां पर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला नहीं भी लगता ना उसको लिख लो, कोई याद होगा, यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा है, भैया जी हाँ है, तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता, और क्या होता, और होता है भैया जी क्या, वन माइनस, अच्छा इतना से ध्यान रखो और बाकी छोड़ो, फिर वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर
थीटा बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। और क्या होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब सोचना है अगर ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं टेन स्क्वायर थीटा बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये सब फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ये साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट होगा, जो कि इस रूप में आ सकता है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब इसको यहां पर ये दोनों फॉर्मूला इसमें लगाना होगा। चलो इस दोनों फॉर्मूला को इस पे लगाते हैं, तो यहाँ LHS लिखना है। LHS मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको लेने वाला है, इसको नहीं लेंगे। तो क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। भैया जी ये तो हो गया, ए बात भैया बताइए तो हमको कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। हाँ छोटे होता तो है। अच्छा भैया ये बताइए कॉट थीटा तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एलसीएम ले लें इसको, और साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम आ गया। अरे 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 भैया जी आप गलती बोले हो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना सारा गलती करेगी तो कैसे काम चलेगा भैया, गलत बात। आज क्या खाए हो, बासी सामान खाए हो क्या। चल यहाँ देखिए भैया कैसे बनाइएगा, साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर जैसे एलसीएम लीजिएगा साइन से साइन सेम मिल रहा तो ऊपर का अंश वन आ गया, माइनस साइन से साइन सेम मिल रहा तो कॉस थीटा आ गया। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अब देखिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखो हमको प्रूफ क्या करना, वन माइनस कॉस थीटा आ चुका है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। अब साइन स्क्वायर थीटा हो किसी तरह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, किसी तरह यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अकेला कर लेंगे। तो अकेला करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos² θ। अब इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो चलो पुट करते हैं 1 - cos² θ का होल स्क्वायर, पुट करते हैं 1 - cos² θ। अब यहां पर a² - b² a - b (a+b), चलिए 1 - cos² θ का होल स्क्वायर, अब क्या होगा 1 - cos² θ (1+cos² θ). देखो कुछ तो दिख रहा होगा नया, कोई कट रहा, यहां पर इसका दो बार मल्टीप्लाई, यहां पर एक बार, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या जो हमको प्रूफ करना था, मतलब 1 - cos θ (1+cos θ) = RHS प्रूफ। कितना आसान था ना, आसान बिल्कुल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बोला ना पहले आप खुद से ट्राई करोगे तब बनाना है, हम लोग जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाना है, ला 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 ला, मंगल हवा नया अमंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हा मंगल नया अमंगल हार। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर किस प्रकार करना है, इसको हमको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भैया जी एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, जैसे ही इसको आपस में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, कहीं ना कहीं वहां पर ऊपर कुछ होने वाला है जिससे ये आंसर निकल सकता है। अच्छा भैया जी वो तो है, चलिए भैया जी एक काम करते हैं हम लोग LHS लेके चलते हैं, चलिए LHS लेते हैं, LHS ले लिए। अब सोचो अपने दिमाग को जागृत करो और सोचो क्या करें, यहां पर ऐसा क्या कर डालें जिससे कुछ अलग हो जाए। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर भिन्न का जोर बनाए होगी तो एक रत्ती भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, जब दोनों समान नहीं जाता दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग एलसीएम के लिए। अब यहां पर इसका मुंह मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस तो प्लस, इसका मुख मुखरा मिल रहा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आराम से सॉल्व करना है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लिखेंगे 1 + sin a का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² का फॉर्मूला क्या होता, a² + b² अरे होल स्क्वायर है ना छोटे, क्या होगा 2ab होगा, ठीक। चलो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin² a + 2 sin a, काम कंप्लीट। अगेन यहां पर नीचे में 1 + sin a
इनटू कॉस। अभी कुछ मत करना नीचे, तोड़ना मत, क्योंकि पता है हमें, हमको सेक ए चाहिए। ये वन बटे कॉस है, सेक ए बनने वाला, ये आपका कटेगा, याद रखना इसी तरह कटेगा ये। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके वन हो जाएगा। अब भैया हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता, तो यहां से वन हो गया, ये दोनों मिलके वन हो गया। अब प्लस वन पहले से था, प्लस टू साइन ए पहले से था, अब बल्ले बल्ले करेंगे भैया, बल्ले बल्ले मत कीजिए, पहले बनाइए। ऐसे भी आज बहुत गलती कर रहे हैं आप, वन वन टू क्या हुआ, आधी रातें हो गई तो नींद नहीं लाना है, आप बनाते बनाते सो जाते हैं कभी कभी, क्या सही मुझे नींद आने लगती है कभी कभी, कोई बात नहीं, फिर भी नहीं सोना है आपको, बना बता के नहीं सोना है। अब देखो यहाँ पर इस दोनों से टू कॉमन ले सकते, तो लो भैया पहले इसको फिर से उतार लें क्या, अच्छा उतारिए भैया, फिर से समझ में आएगा। नीचे क्या है, वन प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखिए अपना सारा ध्यान यहां लगाना है, इस दोनों से दो कॉमन लेंगे, यहाँ वन बचा प्लस का प्लस, फिर यहां पर आपका साइन ए बचा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ये कट गया, दो बटे कॉस है बटे इक्वल टू टू सेकेंड, प्रूफ हुआ आर एच एस के बराबर हुआ, इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। चल बजाया, हाँ जी चलिए आगे चलते, बार बार मैं कह रहा हूं जब भी क्वेश्चन कोई आए अपना दो मिनट, अपना कीमती दो मिनट समय उस पर देना है और कोशिश करना है बनाने का, और बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला, वो बनेगा सवाल, समझ रहे हो ना, दौड़ते हुए वो सवाल बनेगा। हाँ जी चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बटे वन माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे वन माइनस tan थीटा इक्वल टू वन प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहां ध्यान दोगे, पहले आप खुद से ट्राई करो, बस दो मिनट ट्राई करो, बन गया तो अच्छी बात, स्किप कर देना इसको, नहीं बना तो पूरा देखना। यहां देखो फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं, sec और cosec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इधर हम tan और cot के फॉर्म में, tan और cot के फॉर्म में हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन स्क्वायर में तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, एल से हम लेंगे भी तो स्क्वायर नहीं बनेगा, इसका मतलब इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग साइन tan थीटा का साइन और कॉस में ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता cos थीटा बटे साइन थीटा। अरे गलती नहीं होगा, गलती वो मतलब सुनते हो ना, फैन मिस्टेक होता है कभी कभी, वैसा ही मिस्टेक होता है, ध्यान में रखना। चलो एल एच एस क्या होगा, मैं बोलता सोच मन मतलब लिख होता है कभी कोई लिखा कुछ और जाता, लिखना कुछ और चाहते हो, यहाँ ध्यान दो एल एच एस लेंगे। हाँ भैया जी एल एच एस लेंगे, वन माइनस tan थीटा। अब क्या करना है, सिंपल सा, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो अपना सारा ध्यान यहाँ लगा, अगर तनिक भी ध्यान भटकेगा भैया जी, तनिक भी ध्यान, सबको कॉस और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर तनिक भी ध्यान भटका ना तो गलतियां होंगी। सारा ध्यान लगा भैया जी, मेरा सारा ध्यान है, नीचे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या हुआ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, इसमें एलसीएम लेंगे। देखो अपना सारा ध्यान इस चीज को देखो, साइन थीटा यहां पर नीचे वन छिपा हुआ है, वन से इसमें डिवाइड किए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा हो गया, फिर माइनस का माइनस, इससे फिर इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सारा ध्यान लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपना ध्यान यहां पर लगा, ठीक, इसका देखो नीचे वन छिपा हुआ है कॉस थीटा, इस वन से डिवाइड, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस थीटा, माइनस का माइनस साइन थीटा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, समझना ध्यानपूर्वक, एक ट्रिक सीख लो, इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, वरना इसको ऊपर ले जाओगे सेम वही हाल होगा, मतलब इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसका बीच अंदर अंदर से मल्टीप्लाई, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो गया, इसको ऊपर भेज दिए, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे इस दोनों का मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब समझ लो ना, वन बटे टू थ्री बटे फोर, तो वन गुना तीन, सुनो वन गुना चार और दो गुना तीन, इस तरह का होता है फ्रैक्शन, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, यही रूल है, एक दो तीन चार, एक का चार से मल्टीप्लाई, दो का तीन से मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए प्लस का प्लस, इस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन का इसे मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब क्या होगा, छोटे सरकार भैया जी क्या करें, अब कुछ समझ में ना आ रहा, हमको प्रूफ भी करना है। अरे सिंपल सा ध्यान दो, यहाँ पर साइन थीटा, फिर से आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ लगाना है, सुन लो, एक भिन्न का जोड़ यहाँ लगा, अगर भिन्न का जोड़ इतना सा भी कमजोर होगा ना तो बहुत दिक्कत देगा ये, इतना सा भी कमजोर होगा तो
क्यों? क्योंकि आप 2500 साल से पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। किस प्रकार हम लोग भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करते हैं, सेम वही फंडा यहाँ पर। सोचो तो क्या कोई सेम है? नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन देख रहे हैं साइन थीटा प्लस में या माइनस में, अगर इसे माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम हो जाएगा। जो सेम रहता है उसके बदले में एक के बार लिखते हैं, ध्यान में रखना ठीक। एलसीएम का ये रूल है, इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहले माइनस कॉमन लो, सारा ध्यान यहाँ लगाओगे छोटे तो समझ में अच्छे से आएगा ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ देखो इससे माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, माइनस कॉमन लिए तो ये साइन थीटा मेरा प्लस में हो गया, हाँ भैया जी, ये कॉस थीटा हमारा माइनस में हो गया। अब देखो ये दोनों चेहरा मिल रहा, हाँ जी चेहरा मिला, बस चेहरा मिलाने के लिए तो कर रहे थे। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बस ये लाइन अगर समझ में आ गया तो बेहतर ढंग से आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें एलसीएम कौन आने वाला, यानी ये तो सेम है हाँ, इसके बदले में एक बार लिखिए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। वाओ भैया जी दिमाग तो बहुत अच्छा लग रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो आ गया, ऐसा तो बनाए हो आप। फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा तो बनाए हो आप, इसमें तो कोई समस्या नहीं। हाँ जी, अब इस देखो यहाँ पर कॉस थीटा है और ये बड़का डब्बा, इस दोनों के अलावा जो बचेगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, कॉस और ये डब्बा, कॉस और ये डब्बा के अलावा कौन बचा, साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे साइन क्यूब थीटा। देख रहे हो जी आपके साथ क्या किया जा रहा है। फिर माइनस का माइनस, फिर उसी तरह यहाँ साइन और डब्बा है, साइन और डब्बा के अलावा कॉस थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब ये फॉर्मूला यहां पर आएगा। चलिए देखो फॉर्मूले का क्या ही झंझट है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है छोटे तो बेहद समस्याएं आन पड़ती हैं। हाँ जी, यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्या होगा, दोनों को घटाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, माइनस नहीं माइनस एक बार ही लगता, फिर यहां पर प्लस है ना, प्लस देखो पढ़ना बोलते ना गलती हो जाएगा, हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये कैसे हुआ, यहाँ माइनस कैसे आ गया, ऐसा मैं बोलना है आपको। फिर यहाँ ये भी इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके अब देखो ये दोनों आपका जुट करके वन हो जाएगा, हाँ भैया जी। अब देखो कुछ तो ऐसा होने वाला जिससे आपके इस अंधेरे से जीवन में रोशनी आई, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर वन होता, अरे मिट गया मिट गया, कोई नहीं यहाँ वन हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कुछ तो है जिससे आप को अच्छा लगेगा, हाँ जी क्या अच्छा लगेगा, समझने का प्रयास करना है। हाँ जी देखो ध्यानपूर्वक देखना है आपको, अच्छा एक बार देखो दो क्या भैया जी क्या देख ले, चलो छोड़ो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ये और ये आपस में कट गया, हाँ जी इसको दो से तीनों बनाओ समझ में अच्छे से आएगा ठीक, वरना दिक्कतें होंगी। इसको पार्ट बाय पार्ट एक बार यहां से यहां तक बनाओ, फिर यहां से लेके यहां तक बनाओ, उसके बाद मतलब पार्ट बाय पार्ट खुद से बनाने का प्रयास करो। फिर क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, दोनों में बारी बारी से भाग करना है, भैया जी कितना लंबा जा रहा है ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर प्लस का प्लस, फिर इसमें भाग करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कट गया यहां पर वन बचा, बन तो गया वन बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, वन बटे कॉस थीटा सेक थीटा प्लस वन, यही प्रूव करना था, वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आर एच एस, थ्रू बन गया। क्या ही समस्याएं थी आपकी, बेहद आसान था, कुछ नहीं किया हम लोग, टेन को साइन और कॉस में चेंज किए, फिर भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव यहां पर किए, फिर से यहां पर ए स्क्वायर मतलब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर फिर से भिन्न का जोड़ किया, भिन्न का घटाव किया, भिन्न का घटाव यहाँ किया, भिन्न का घटाव करने के बाद ऊपर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला पुट कर दिए, पुट करने के बाद देखे ये आपस में कट रहा है, कटा दिए हटा दिए कटा करके, फिर यहाँ पर अलग अलग भाग किए, फिर सॉल्व हो गया, कहाँ कुछ किए, कोसाइन कॉस में चेंज, भिन्न का घटाव, फिर से भिन्न का घटाव, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट किए, फिर कट गया, फिर जो बचा भाग लगा दिए, बन गया, बस कुछ ना है, बस कुछ ना है, हल्का हल्का, चलो आगे देखते हैं ठीक बेटा, कोई दिक्कत है, अच्छे से देख लो, तुम साथ हो जो मेरे,
किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब। चलिए ये भी आपका आसानी है छोटे, हल्का हल्का है बनाना है। चलो फिर भी आप वन प्लस से के बटे से के बराबर साइन स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस, इसको सॉल्व करना। जैसे ही आपको इस पोर्शन में दिखेगा कि नीचे वन माइनस कॉस है, या हम साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं, वहां से तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलो ये आपका सॉल्व हो गया। से उसी तरह यहाँ पर सेक है, जहां सेक है इसको जैसे ही कॉस में चेंज करेंगे ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो और हल्का है भाई साहब, मतलब क्वेश्चन देखते ही दिमाग में बैठ जाता है क्या करना है। इसको चेंज करना है कॉस में, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉस के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में चेंज करेंगे, यहाँ पर भी कॉस ए के फॉर्म में कुछ मिलने वाला और मेरा सॉल्व हो जाएगा। चलो एल एच एस लेते हैं, एल एच एस क्या होगा, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए, इसको मेरा इसको हम लोग कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता भैया जी, सेक ए का फॉर्मूला होता ये आप बना, आपको भी लिखना है यहाँ पर ठीक, वन बटे कॉस ए होता है। अब यहाँ पर सेक ए के जगह पर हम लोग वन बटे कॉस ए लिखेंगे, यहाँ पर ही वन बटे कॉस ए लिखेंगे। अब क्या ऊपर पे सॉल्व करेंगे, भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो बच्चा वाला हो गया। यहाँ वन से कॉस ए, कॉस ए से मल्टीप्लाई किया वन में कॉस ए, प्लस का प्लस कॉस ए मुखड़ा मिल गया, वन से मल्टीप्लाई वन तो वन हो गया, वन बटे। अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता तो फिर अच्छे से पूछना है आपको, फिर क्या करेंगे वो बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर मल्टीप्लाई, वरना इसको उलट भी सकते हो ठीक है। तो कर ले कर लेते हैं, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस वन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई वन, इसका इसका कट गया, बचा क्या कॉस ए प्लस वन मतलब वन प्लस कॉस ए, ये बचा। भैया जी अब आर एच एस निकालिए। चल देखो आर एच एस के बराबर नहीं निकला, अब सर नहीं फोड़ना है, हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा नहीं सोचना आपको। अब क्या करना है आपको, आर एच एस लिखना है। आर एच एस क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए। अब यहाँ सोचना है भैया ऐसा तो बनाया है, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी, अब नीचे वन माइनस कॉस ए, कुछ तो ऐसा होगा इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे वन माइनस कॉस ए ठीक, इससे ये कटा इससे ये कटा, आराम से वन प्लस कॉस ए आ गया, बन गया। क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था। अब आराम से क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया। और हर क्वेश्चन बनाने से पहले खुद आप दिमाग लगाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है बस, अभी चार क्वेश्चन पर ही है, अरे हल्का हल्का क्वेश्चन है बस, कितना क्वेश्चन जो था थोड़ा सा वो था दम रखने वाला, बाकी सब क्वेश्चन हल्का है ठीक है, सारा क्वेश्चन हल्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, अपना सारा दिमाग यहां लगाओ और सोचो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, मतलब पूरा फोकस इस प्रकार, इस प्रकार क्या पिता है हम अपने आज और हम अपने पिताजी को क्यों याद कर रहे हैं। देखो सॉल्व करना है, क्या करें भैया जी, क्या करें हम यहाँ पर, तो सोचना है आपको, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, कॉस में किससे डिवाइड करेंगे, जो कॉसेक या कॉट में आएगा भैया जी, साइन से तो कॉट में, वन में भी साइन से तो कॉसेक में, इसका मतलब अगर हम सब में साइन से डिवाइड करेंगे तो मेरा उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दिमाग खोरा वाला। चल करते हैं, तो साइन एल एच एस लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन एल एच एस को लिखो, क्या है फिर से लिखो एल एच एस को, लिख लिए साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर क्या होता है वो देखिए, इसमें साइन ए से भाग दिए तो क्या होगा, कॉट ए, फिर माइनस वन, फिर
फिर प्लस वन बटे साइन ए कॉस ए के हो जाएगा। अपने फॉर्मूले को, फॉर्मूले वाले दिमाग को ओपन कर लो, ठीक है। कॉस ए में भी साइन ए से भाग करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस वन हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस वन बटे साइन ए तो क्या होगा, कॉस ए के हो जाएगा। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं भैया जी, सिर्फ साइन ए से अंश और हर में भाग दी और हम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद भैया क्या करें, सिंपल सा काम करना है इसके बाद। क्या अब हम सोचेंगे यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा एक ट्रिक यूज करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है पर सोचना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है। हम लोग वन को काफी कुछ लिखना जानते हैं, एक चीज जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता। यहाँ तो कोसेक और कॉट के फॉर्म में वन को लिखेंगे भैया, या तो नीचे में लिखो या तो ऊपर पे लिखो। लेकिन हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर में लिखने, तब ना वो कोसेक ए प्लस कॉट ए रहेगा। सपोज अगर नीचे में लिख देंगे तो वन बटे कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर में वन के बदले में लिखना है। ये आपका कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब वन की जगह पर हमको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है, तो लिखेंगे। तो वन को कोने में कर लो, इसको इधर लेते हो, कोसेक ए ये प्लस में है प्लस कॉट ए, ठीक। यहाँ माइनस वन तो माइनस वन, वन की जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं, तो लिखते हैं क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो अब कितना कुछ बदलने वाला है, नीचे क्या है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक। बस यहीं पर अपना सारा दिमाग लगाने के बाद ये बन जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, फिर कोमा ले लेंगे, बन जाएगा, ठीक। जितनी समस्याएं थी वहीं पर समस्या था, उसके अलावा कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है। इसको तोड़ दो, कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। चलो नीचे में भी सेम जो है उसको लिख लो। चलो जी कहां गया रुमाल, इसको मिटा दे। भैया जी इतने सारे काम करने होते हैं, दिमाग तो लगा ही नहीं यहाँ पर, करे तो क्या करे क्या, यहाँ पर ये फिर ये सेम मिल रहा, बहुत जानते हो आपके दिमाग को तेज बनाना है, शार्प बनाना है। क्या करोगे आप पहले सोच लिया करो, समझ रहे हो। इसको इसको कोमल ले लेते हैं, रटना नहीं है, इसको और इसको कोमल लो, कोसे के प्लस कॉटे को कोमल लेंगे, क्या होगा देखो। दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा सिर्फ क्या वन बचा, वन माइनस यहाँ क्या बचा ये टर्म बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखो कुछ तो कट रहा होगा आपका, कुछ तो कट, सबको उतार रहे हैं, ये सबको उतार रहे हैं आप, ठीक। देखो कुछ कट रहा है क्या भैया जी, माइनस से प्लस ही कीजिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक। देखिए यहाँ पर वन प्लस में, यहाँ वन प्लस में, कोसेक ए माइनस में कोसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, ये और ये कट गया, बच गया जो प्रूफ करना था इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। आज हम लोग पांच नंबर तक गए, ठीक। यहां तक शायद हम लोग पहले भी गए थे, कोई नहीं आज पांच नंबर तक ही रहने देते हैं, काफी ज्यादा लंबा क्लास हो गया आज कितना, अरे रे कोई नहीं आज समय ज्यादा हो गया। कितना बज गया भैया जी, 1:12 हो गया, आज छोड़ देते हैं, आज इतना सा ही करो, 5 नंबर तक ही करो और ट्राई करोगे कल हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, ये तो कल आधे घंटे में हो जाए, उससे पहले हो जाएगा, कोई नहीं कल करेंगे। आज नींद में कुछ